आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। शायद यही था विधि का विधान, पुत्री के हाथों माता को मिली मुखाग्नि। छपरा माझी दशकों से प्रचलित सामाजिक विडंबना को दरकिनार कर पुत्रियों ने अपनी माता की अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया बल्कि स्वयं मुखाग्नि भी दी। लॉकडाउन की वजह से पिता के सूरत में फंसे होने के साथ साथ घर में एक फूटी कौड़ी उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशान पुत्रियों ने अपना गुल्लक तोड़कर दाह संस्कार संपन्न कराया। यह दुखद घटना मांझी प्रखंड के फतेहपुर सरैया की है। घटना रविवार की रात्रि की है। पति राजबलम सिंह कुशवा गुजरात के सूरत में मजदूरी करने गया और लॉकडाउन में वहीं फंस गया। इधर चार दिन पहले उसकी पत्नी राजमणि देवी 45 वर्षीय की कमर व पैर में अचानक तेज दर्द होने लगा। घर में मौजूद पुत्रियों ने उसे डॉक्टर को दिखाया, दवा दी गई, परंतु दो दिनों बाद रविवार की रात खाना खाने के बाद महिला अचानक बेहोश हो गई और देखते ही देखते उनकी मृत्यु हो गई। माता की अचानक हुई मौत से घर में मौजूद पुत्रियों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पुत्रियों के होश उड़ गए, बच्चियां दहाड़ मार कर रोने लगी। बाद में ग्रामीणों ने मृतका की बड़ी शादीशुदा पुत्री पिंकी तथा बलेसरा में अपनी मौसी के घर रह रही पूजा को भी घटना की सूचना दी। इधर मौत की खबर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए, सब ने उन्हें ढांढस बंधाया। सुबह महिला की शव यात्रा निकली। अन्य ग्रामीणों के साथ पुत्री पूनम काजल तथा नेहा ने भी अर्थी को कंधा दिया। शव को चिता पर लिटाने के बाद अग्नि संस्कार को लेकर लोग अलग अलग राय देने लगे। तभी मृतक की पांचवी पुत्री ने साहस का परिचय देते हुए स्वयं मुखाग्नि देने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने अश्रुपूरित नेत्रों से बच्ची का आग्रह स्वीकार किया। मांझी प्रखंड जीविका समूह से जुड़ी मृतिका राजमुनि की पुत्रियों की मदद में खड़ा हुआ अनुभव जिंदगी का सोशल मीडिया ग्रुप। उक्त सोशल ग्रुप के सक्रिय सदस्य राजीव कुमार सिंह तथा राजू कुमार गुप्ता की पहल पर जुटी जीविका दीदियों ने तत्काल 8300 रूपए तथा खाद्य सामग्री के अलावा स्थानीय मुखिया संजीत कुमार साहब व पूर्व जिप सदस्य धर्मेंद्र सिंह समाज ने क्रमश 5000 रूपए नगद तथा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। यहाँ एक बहुत ही अत्यंत गरीब जी की 5 बच्चियाँ है, वो अभी डेथ कर गई है 2 दिन पहले। उनको हम लोगों को पता चला तो आए हैं, हम लोग इसमें कुछ मदद के रूप में दे रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इन लोगों के शादी तक हम लगातार करेंगे, बिना किसी को बताए करेंगे, पता करके करेंगे इन लोगों का कैसे चल रहा है, हमेशा पूछते रहेंगे। जीविका से सदस्यदानी राजमुनि के हम जीविका से पैसा देनी लोन, और वो बेचारी मर गई, कोनो आधार नहीं के दे, 5 गो लड़की बारी से वो पैसा के रौरा लोग माफ कर सकता नहीं। फिर वो लोग यहाँ काहे खातिर इकट्ठा भेल बानी? ये खातिर भेल बानी सब कि सहयोग देवे खातिर, आ ये रुपया के माफ करे खातिर। काची काची रो सहयोग करते हैं? सहयोग करते हैं सकी जौन बहन जी के जो पैसा जुटे तो पैसा बहन जी के दान करो, पाँच मिल के उसको जराए खुराए है, लकड़ी पकड़ी किने हैं जरा दिए। देवी कुशवाहा ग्रुप गांव फतेहपुर सरैया से बोलतानी। हमनी के जीविका में कुशवाहा जीविका सदस्य के कुशवाहा ग्रुप के हमनी के एगो दीदी रहनी, उनका नाम रहे राजमुनि देवी, जौन की बहुत गरीब फैमिली से रहनी और वहाँ के गुजर गई और वहाँ के बहुत लाचार स्थिति में रही, और 25,000 रुपया ले और वहाँ के 25,000 रुपया कर्ज ले ले रही रोगी के लिए, बीमारी के इलाज खातिर, जौन की वहाँ के चुका ना पैनी और वहाँ के डेथ हो गए। यही से हमनी के गुजारिश बा कि सरकार उनके कोनो मदद करे, जौन की वहाँ के परिवार के फैमिली के सहायता हो सके। हुआ था यही हुआ था कि मैंने कि वो जो तबीयत खराब थी तो वही दवा कराने के लिए एक इसमें डेथ कर गई हॉस्पिटल में। उनके पति? उनका पति अपी में है गुजरात, गुजरात में। उनका अंतिम संस्कार कौन किया है? अंतिम संस्कार कौन किया? अभी लड़कियाँ लोग की, गांव के लोग किया, गांव के लोग हम लोग मैंने किए साथ में मिलकर, लड़की से आग दिलवाया गया।